अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एंकर टैग और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इमेज को ऐड करते हैं। जैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि एक डाउनलोड का बटन बना होता है, तो इस तरह का बटन हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इमेज टैग HTML के अंदर हेडिंग्स कितनी किस्म की होती हैं, पैराग्राफ को लिखने की टाइप्स जो कि दो टाइप्स हैं, एक प्री टैग है और एक पी टैग है। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था और एक प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को HTML की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो मेन चीज़ है एंकर टैग को डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देख लेना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है या फिर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो एंकर टैग लिखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद href इज इक्वल टू डबल कोटेशन डालनी है, सिंगल कोटेशन भी आप लोग डाल सकते हैं, और इसको क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर काम किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने YouTube का लिंक ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक YouTube का लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा मेरे इस वेब पेज के लिंक के ऊपर क्लिक करे वो डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर चला जाए। तो अब इस लिंक को मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जब मैंने इस लिंक को पेस्ट किया तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है या मेरा वेब पेज है उसके ऊपर यूट्यूब लिखा हुआ है। जब इस यूट्यूब के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो इसको यूट्यूब के अंदर ले जाएगा। अब मैं इसको पेज को लोड करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे YouTube लिखा हुआ आ गया। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट YouTube के अंदर लेके जा रहा है। तो अब डाउनलोड बटन किस तरह से बनाना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड बटन की। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड किया और इसको इसी फोल्डर के अंदर सेव किया, यहाँ पर मेरी फ़ाइल HTML की सेव है। तो ये मेरा डाउनलोड का बटन है। तो अब मैं आप लोगों को अपने HTML के कोड एडिटर के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एंकर टैग को ऐड करूँगा और href, ठीक है, कि रेफरेंस क्या है, ठीक है, आप डबल कोटेशन, और इसको पहले क्लोज़ कर लेते हैं, इस टैग को मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इमेज टैग ऐड करूँगा, ये कैसे होता है, क्या काम करता है, SCR का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई हैं। तो अब मैं यहाँ से अपनी जो इमेज है इसका पाथ कॉपी करूँगा। मुझे पाथ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस फाइल को, इस इमेज को सेम फोल्डर के अंदर सेव किया है जहाँ पे मेरा HTML की मेरी फ़ाइल सेव है। अब मैं इस इमेज की एक्सटेंशन ऐड करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो बंदा भी इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा ना वो डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर चला जाए, यूट्यूब के पेज के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर भी मैं यूट्यूब का पेज जो लिंक है उसको ऐड कर देता हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने ये इमेज ऐड कर दी। अब मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ को भी कंट्रोल कर देता हूँ क्योंकि जो मेरे पास इमेज है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो मैं इसकी जो विड्थ है वो रख देता हूँ 100 पिक्सल कर लेते हैं चलें, और यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी मैं 100 पिक्सल ही दे देता हूँ। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि मेरी इमेज काफ़ी बड़ी थी इसलिए मुझे इसको साइज़ के थ्रू कंट्रोल करना पड़ा। अब मैं दोबारा से इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन बन गया है। अब मैं अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो YouTube का पेज है वो लोड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो मैंने href है इसके अंदर YouTube का लिंक दिया था। अब अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट मुझे मेरे YouTube के पेज के अंदर ले गया। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने एंकर टैग को कोड किया था, ठीक है, इतने को एंकर टैग
और इसके अंदर मैंने एक लिंक ऐड कर दिया एच रेफ के अंदर, और फिर मैंने एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, जब मैंने एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया तो इस एंकर टैग के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे मैंने एक इमेज का लिंक ऐड कर दिया। इमेज का लिंक कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, इमेज को किस तरह से ऐड करते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया। तो अब इस इमेज को मैंने ऐड किया और एस सी आर सोर्स के अंदर मैंने यहाँ पर इस इमेज का सोर्स डाल दिया है। ठीक है, अब मुझे अपनी ड्राइव्स या फोल्डर को बैक स्लैश के साथ इसलिए नहीं ऐड करना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी इमेज को सेम फोल्डर के अंदर सेव किया जहाँ पे मेरी इमेज थी। तो जैसे जैसे हम लोग कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप लोग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हों वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोगों ने साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।